This is Kannan Karnataka. Welcome to my YouTube channel. This is Kannan. Save electronics from surge voltage in Hindi. अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को बिजली के झटकों से बचाइए। विषय पर जाने के पहले मैं दो छोटी छोटी घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं बरसात के मौसम में सड़क पर चल रहा था और एक हरे पेड़ की छाल गिर गई क्योंकि उस पर बिजली गिरी थी। मैंने एक तस्वीर पोस्ट की है, इसलिए कृपया बारिश के मौसम में बिजली गिरने पर हरे पेड़ के पास न गटे हो। देखिए यह पेड़ कितना मजबूत है, यह टूट कर गिर गया है। इस तस्वीर में एक व्यक्ति को बिजली की रोशन से जोटा गया है। इस तस्वीर में देखिए कि घर में बिजली गिरने पर यह कैसा लगता है। दादू से उत्पाद को देखे यह बहुत क्षतिग्रस्त है। अगर आपने देखा होगा, बिजली गिरने से यह इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत प्रभावित होता है। केवल बिजली गिरने से ही नहीं, बल्कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके बिजली के इलेक्ट्रॉनिक सामान को प्रभावित कर सकती है, आप इससे कैसे बच सकते हैं। आइए देखें कि आप घर में इस्तेमाल होने वाले बिजली के इलेक्ट्रॉनिक सामान को बड़े गत्रों से कैसे बचा सकते हैं। यह दूसरी छोटी घटना है। मेरे पास पुराना टीवी था, यह पिक्चर ट्यूब टीवी था। कम वोल्टेज में टीवी बंद हो जाता था, टीवी कभी चालू नहीं होता, लेकिन कम वोल्टेज से मूल्यवान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बचाने के लिए इस स्टेबलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। आपने घर को बिजली के गिराने से और अपने घर के निर्माण क्षेत्र को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए यह पहली चीज है जिसमें बिजली आने पर बचाने का सुझाव देता हूँ। यह अमेज़न पर उपलब्ध है। यह एक लाइटनिंग बाईपास है। एक तरफ 5 रॉड आती है और 45 डिग्री के कोण पर रखती है। दूसरे तरफ आपको इसे धरती से जोड़ना होगा। इस तरफ बिजली आएगी और इसे बाईपास करके धरती पर चली जाएगी। आपको घर में उचित अधिक देने होगी। व्यास 1.8 मीटर कवर है, वो वेबसाइट पर दिया गया है। इसकी कीमत न्यूनतम है, मुझे लगता है कि यह लगभग 3000 है। अगर आप इसे घर पर लगाना चाहते हैं तो आपका घर और बिजली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी सुरक्षा रहेगी। हम अगले इस उत्पाद को देखेंगे। फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत ₹347 है, लेकिन कीमत अलग अलग होगी। क्या आप जानते हैं कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है? वेबसाइट पर दिए हुए अनुसार इसके उपयोग है। आप इस वीडियो के दूसरे अलग सत्र में उत्पाद के बारे में देखेंगे। इस उत्पाद में 6 पिन सॉकेट है। उसी से पहले हम इस उत्पाद के बारे में देखेंगे। यात्रा प्रकार चार्ज यह आपको बिजली गिरने से बचाएगा। यह सभी सर्ज वोल्टेज, शॉर्ट सर्क्यूट करंट, ओवरलोड प्रोडक्शन से बचाएगा। यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है। अपने मोबाइल या लैपटॉप को चार्ज करने के लिए इसका उपयोग करें। यात्रा के दौरान बिजली गिरने की स्थिति में यह आपके उत्पाद को बचाएगा। यह अमेज़न साइट पर उपलब्ध है। पिछले सत्र में मैंने हाई वोल्टेज मोटर या पंप या
इलेक्ट्रिकल आइटम के लिए उत्पाद का सुझाव नहीं दिया था, लेकिन इन दो वस्तुओं के लिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि एमसीबी का इस्तेमाल करें। बिजली की वस्तुओं के लिए आप पंप मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका एमसीबी का इस्तेमाल भी करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास एयर कंडीशन है तो आप इस तरह के एमसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली से बचाने के लिए यह एक नए तरह का उत्पाद है। एमसीबी आपको शॉर्ट सर्किट करंट, ओवरलोड करंट, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन देता है, लेकिन आपको एयर लीकेज करंट से प्रोटेक्शन नहीं देता। ये सेकंड पिक्चर है, एक इसका नाम है आरसीसीबी, एक लेडन कंपनी का प्रोडक्ट है। वेबसाइट में बताया गया है कि यह आरसीसीबी ने एमसीसीबी प्लस ईएलसीबी का संयोजन है। एमसीबी के उपयोग को देखें, यह सभी प्रकार के शॉर्ट सर्क्यूट, ओवर वोल्टेज और ओवर करंट के लिए उपयोग है। यह बिजली ने की स्थिति में भी उपयोग है। साथ ही आप अर्थ लीकेज करंट से भी बचेंगे क्योंकि इसमें ईएलसीबी भी है। मैं इस उत्पाद की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं क्योंकि यह आपको झटके से बचाता है। यही आप इसकी कीमत देखते हैं तो ₹899 बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप यह उत्पाद खरीदते हैं तो देखें कि यह 6 पिन एक्सटेंशन सॉकेट है। इसका उपयोग शॉर्ट सर्क्यूट, ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है और मुझे लगता है कि यह कम वोल्टेज ट्रिपिंग है और सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप इसकी कीमत देखें तो यह केवल ₹350 है। आप आमतौर पर स्पाइक बस्टर का उपयोग करते हैं। अगर आप एक्सटेंशन बॉक्स को देखते हैं तो उसमें स्पाइक बस्टर होगा और अगर आप इसके प्रतिस्थापन को देखते हैं तो स्पाइक बस्टर की तुलना में एक फायदा है। मुझे लगता है कि यह ₹100 अतिरिक्त है। मैं इसका उपयोग केवल मोबाइल, टीवी और लैपटॉप चार्जिंग के लिए ही करता हूँ क्योंकि रेटिंग बढ़ जाती है तो दक्षता कमी हो जाएगी। मैं इलेक्ट्रिकल आइटम्स को यूज नहीं कर सकता। फ्यूज ने ओवर करंट से बचाने के लिए डिजाइन किया गया। एमसीबी ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए डिजाइन किया गया। एमसीसीबी भी ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट करंट से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन वो रेटिंग ज्यादा है। ईएलसीबी ने अर्थ लीकेज करंट शॉक से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। फ्यूज का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। अन्य तीनों का दोष दूर करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है। अन्य तीनों की तुलना में फ्यूज तेजी से होता है। अन्य तीनों की तुलना में सस्ता। फ्यूज में ब्रेकिंग कैपेसिटी कमी है। एमसीबी में थोड़ा ज़्यादा है, एमसीसीबी में ज़्यादा है, ईएलसीबी में ज़्यादा है। कैलिब्रेशन नहीं किया जा सकता है। प्रतिस्थापन भी लंबाई मोटाई, सामग्री की अशुद्धता, सामग्री की संरचना के कारण प्रतिस्थापन भी भिन्न होता है। एक बात यह है कि जब आप घर के लिए वायरिंग करते हैं तो आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तार में मोटा इंसुलेशन होना चाहिए। अगर आप पतले तार और पतले इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं और जब आप उसी मोटाई को बढ़ाते रखते हैं तो तार में आग लगने की संभावना होती है। घर के उपयोग के लिए मैं दो अलग अलग वस्तुओं की अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। आप फ्यूज और एमसीबी संयोजन को
मोटर पंप ग्राइंडर मिक्सर के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप कमरे के लिए एमसीबी प्लस आरसीसीबी संयोजन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास अमेजॉन फ्लिपकार्ट के कोई एमसीबी प्लस आरसीसीबी संयोजन है तो मैं इसका अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ, क्योंकि आपके पास लागत प्रभावी है और आपके पास अन्य सभी कार्यों के अलावा शॉक प्रूफ अतिरिक्त है। पूरी हमारत के लिए आपको निश्चित रूप से फ्यूज़ का उपयोग करने चाहिए। आप और क्या कर सकते हैं? आप एमसीसीबी और आरसीसीबी का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या होगा? एमसीसीबी आपको बिजली के शॉर्ट सर्क्यूट से बचाने और फ्यूज़ आपको ओवर करंट से बचाएगा। आरसीसीबी शॉक से बचाता है। इस प्रकार का उपयोग उचित नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे निम्नलिखित अनुशंसा द्वारा उपयोग कर सकते हैं। यह एक फ्यूज है जिसका उपयोग बरसात के मौसम में किया जाता है। चित्र स्विच बोर्ड का सर्क्यूट और एक है। फेस को फ्यूज के माध्यम से स्विच से जोड़ा जाता है और स्विच बोर्ड के दाएं प्लग पॉइंट से जोड़ा जाता है। देखें कि मैंने न्यूट्रल को कैसे जोड़ा है। न्यूट्रल को फ्यूज और स्विच के माध्यम से समानांतर में स्विच बोर्ड के न्यूट्रल प्लग पॉइंट से जोड़ा जाता है। अब बरसात के मौसम में यह बिजली गिरने से नहीं रोकता, क्योंकि वोल्टेज अधिक है, कम से कम करंट होगा। लेकिन अब अगर करंट अधिक है तो यह आपको बिजली गिरने से भी बचाएगा। दूसरा उपयोग यह है कि जब हाई वोल्टेज शॉर्ट हो या फेज और न्यूट्रल के बीच शॉर्ट हो तो उसे रोकने के लिए अगर आप न्यूट्रल स्विच को बंद कर देते हैं तो फ्यूज काम करना शुरू कर देता है और फिर यह आपको सुरक्षा प्रदान करता है। आप इसे बरसात के मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं और गैर बरसात के मौसम में इसे चालू कर सकते हैं। आप इस स्विच को ऑन कर दे अगर बाईपास स्विच नहीं है और अगर फ्यूज बंद हो जाता है तो कैपेसिटर और इंडक्टर चार्ज और डिस्चार्ज होते रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ओवरलोड हो जाता है और उसे नुकसान हो सकता है। इस समस्या को हल करने के लिए ये स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक इलेक्ट्रीशियन फ्यूज को बदल नहीं देता तब तक आप इस न्यूट्रल स्विच को इस्तेमाल करें। स्विच बोर्ड के लिए निवेश कुछ सौ अतिरिक्त होगा, लेकिन हजारों रुपये की बचत होगी। बाएं ओर का चित्र गैर वर्ष ऋतु का है। दाएं हाथ की ओर बरसात के मौसम का स्विच ऑफ मोड चित्र है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इन उत्पादों द्वारा सुरक्षित रहेंगे। यह वीडियो गैजेट की सुरक्षा के बारे में केवल बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। मैंने एक्सटेंशन स्विच के लिए शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट और अन्य परीक्षण जैसे कोई चेक नहीं किए है, ताकि यह पता चल सके कि वे ट्रिप करते हैं या नहीं। यदि यह ट्रिप करता है तो आप इन जैसे उत्पाद खरीद सकते हैं। जितना अधिक आप सुरक्षा पर खर्च करते हैं उतना ही आप अपने गैजेट की सुरक्षा कर पाएंगे। खास कर बरसात के मौसम में जब आप घर से बाहर हो, प्लग पॉइंट से सभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम को डिस्कनेक्ट करे। कृपया सुरक्षा स्विच गियर इंस्टॉलेशन के लिए इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर या पैनल बोर्ड बिल्डर से सलाह ले। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल कन्नन कर्नाटक ब्लॉग।